स्कूल में हुआ 8वां वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन। आगरा के देवरी रोड स्थित सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल में मंगलवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वें वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन रतन सिंह भदौरिया ब्रॉन्ज मेडल ईस्ट एशियन गेम्स 1978 बैंकॉक रहे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में मनोज कुशवाहा, पूनम यादव इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ सरस्वती वंदना स्वागतम जैसे रंगारंग कार्यक्रमों के साथ की गई। कार्यक्रम में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कैप्टन राजन सिंह भदौरिया ने बताया कि वह इस तरीके की गतिविधियों में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे तथा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम ज्यादातर किए जाने चाहिए, बच्चों को कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। मनोज कुशवाहा द्वारा बताया गया कि वह पिछले 20 वर्षों से क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं, जिसमें उनकी मुख्य पूनम यादव दीप्ति कई तरीके की खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन कराया है। स्कूल प्रबंधक मानवेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया, विद्यालय इस तरह के का आयोजन समय समय पर करता रहता है, जिससे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भागीदारी करने का उत्साह व प्रेरणा मिलती रहती है। स्कूल प्राचार्य रवि लरियाल ने बताया, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से ऋचा सिंह, मंजू तोमर, शिवानी सिसोदिया, दुर्गेश गुप्ता, शिल्पी, अन्य कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। मुझे क्या कहना चाहिए कार्यक्रम को लेकर, जो बच्चों को किस तरह? धन्यवाद देना चाहूंगा सेंट जोसेफ स्कूल का, जिन्होंने स्पोर्ट्स मीट में बुलाया और एक शानदार आयोजन के प्रचार करने का मौका दिया। एक स्कूल स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है कि जो लोगों को जोड़ता है और आपके आंतरिक विकास भी होता है। वैसे स्पोर्ट्स इवेंट कोविड के बाद से दोबारा से आगरा शहर में स्टार्ट हुए, तो मैं सबसे पहले जोसेफ स्कूल को शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन कराया। और मेरे एक कोचिंग गुरु भी मेरे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रतन सिंह भदौरिया साहब, जिनसे मैंने कोचिंग में काफ़ी कुछ सीखा है। और मेरे को उम्मीद है कि जैन जोसेफ के अकेडमी स्टाफ भी उनसे बहुत कुछ सीखेगा और ऐसी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहेगा और आगे और अच्छा आयोजन कराने की कोशिश करें। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सेंट जोसेफ? अभी तो इनका फाउंडेशन चल रहा है, लेकिन उम्मीद तो ये की जाती है ना, कोई भी स्कूल्स स्पोर्ट्स को यदि लेके चलता है तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि वो स्कूल बहुत ऊंचा जाएगा, क्योंकि साथ साथ में फिजिकल को भी रखना बहुत जरूरी है। मुझे देखने में आ रहा है कि कर्मठ लोग हैं, टीचर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ कमियां भी होंगी तो सुधारने का इनको मौका बहुत आगे मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये खड़े होंगे।